जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। आईएफएल इंटरप्राइजेज वैसे तो मार्केट के लिहाज से बहुत छोटी कंपनी है, एक पेनी स्टॉक की श्रेणी में आती है, लेकिन कंपनी जो काम करती है वो काफी बड़े लेवल का काम करती है, बड़े पैमाने पर काम करती है। ये मुख्य रूप से यदि हम लोग समझें तो ये कंपनी जैसे स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड है ही, इसके अलावा कंपनी सिक्योरिटीज और बॉन्ड जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग भी करती है। इसके अलावा कंपनी कपड़े से संबंधित सामान भी बेचती है, और जैसे मैंने बताया नोटबुक्स हो गया और स्टेशनरी जैसे प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचने का कामकाज करती है। तो कामकाज के हिसाब से समझिए, यानी कंपनी जो काम करती है वो काफी बढ़िया है, और चूंकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि विस्तृत कामकाज है, मल्टीपल बिजनेसों में है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से इशारा करती है कंपनी में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो दमखम है कि कंपनी छोटी होते हुए भी बहुत बड़े स्तर का काम करे, और इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी, क्योंकि एक बिजनेस में यदि घाटा होता भी तो दूसरा बिजनेस कंपनी का चलता रहेगा। अब ये बात होगी कंपनी के कामकाज की। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, फंडामेंटल कैसा है, मतलब ये कमाल का पेनी स्टॉक। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, और का पहले से इन्वेस्टमेंट है उसके तो खैर बल्ले बल्ले है। एक बात यहाँ पे फंडामेंटल को समझने से पहले समझते कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं इस स्टॉक में, और छोटी सी कंपनी जिसमें बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस होता है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि एक साल में यदि कम से कम दो बार भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो समझिए कि आपका जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो तो है ही इसमें, उस पर शेयर के प्राइस बढ़ने से तो वो एप्रिसिएशन हो ही रहा है, साथ जो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस कर रही है इसका भी बेनिफिट आपको साल भर में दो बार मिलेगा। जैसे 2024 में ही देखें अभी तक तो कंपनी ने बोनस आपको दिया है, और बोनस के अलावा कंपनी ने भी राइट इश्यू भी लेके आई थी, राइट इश्यू का भी आपको बेनिफिट मिलते हुए दिखा है। तो आईएफएल इंटरप्राइजेज इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है कि सिर्फ शेयर के प्राइस नहीं बढ़ेगा बल्कि कॉर्पोरेट एक्शन होने के अलावा भी होते रहेगा, जिससे भी आपको फायदा होगा। आप यहाँ पे समझिए रिटर्न ऑन इक्विटी आरओसी देखेंगे तो यह भी गजब कमाल का है, 3.5% के आसपास आरओई इसको देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है एक छोटी सी कंपनी में। चार्ट पर देखेंगे एक साल के चार्ट पर तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। दरअसल प्राइस उठने लगा था, प्राइस जाता ऊपर ही, लेकिन बीच में हो गया फिर से कॉर्पोरेट एक्शन, यानी कि कंपनी ने बोनस देने का अनाउंसमेंट कर दिया। हम लोग आगे देखेंगे ये 1:150 के रेशियो में बोनस था, यानी कि जिसके पास 150 शेयर्स थे उसको एक के एक्स्ट्रा शेयर्स मिलना था बोनस के हिसाब से। तो जब भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो उस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है। दरअसल गिरावट नहीं होता, ये एक प्रकार से एडजस्टमेंट होता है प्राइस का। जब भी कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद प्राइस नीचे आता है तो उससे एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट होना जरूरी होता है, तो वही यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट होते हुए दिखा है, जिस वजह से प्राइस जाके कहीं ना कहीं अपने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि 1 रुपए का लेवल है यहाँ पर आके ठहरा हुआ है। लेकिन देखेंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ भी जाते हुए दिख रहा है, ये प्राइस धीरे धीरे बढ़ के अपने इस ये जो रेजिस्टेंस है 1.5 रुपए तक यहाँ तक आएगा, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत समय बिता के प्राइस इसको ऊपर निकालेगा, तो इजिली आपको 2 रुपए के लेवल को तो इजिली निकाल देगा, और 2 रुपए के लेवल को जैसे निकालेगा कोई नया व्यक्ति यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जो कि करना ही चाहिए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और कम से कम 5 रुपए के लेवल तक के लिए जाने के लिए अब तैयार रहेगा, क्योंकि 4.5 रुपए तक इसका प्रीवियस आई है और इसको इजीली निकाल देगा। तो ये जो यहाँ पे मैंने सिचुएशन बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होगा चार्ट पे, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको वेट करना है स्टॉक का प्राइस जल्दी 1 रुपए तक जाएगा, 1 रुपए से ऊपर निकले फिर 2 रुपए तक जाएगा, 2 रुपए से जैसे ऊपर निकलेगा आप इसमें बाई कर लीजिएगा। बाकी जिसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं उससे अभी कुछ नहीं करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर एवरेजिंग करना भी चाहते हैं तो जब प्राइस 1.5 रुपए के ऊपर निकले या 2 रुपए के ऊपर निकले तो यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस वेट करना है। अभी हम लोग बीएस इंडिया की वेबसाइट पे आए हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। आईएफएल इंटरप्राइजेस अभी देखेंगे फिलहाल कोई भी रेड फ्लैग में नहीं है, यानी कि कंपनी में एकदम सब बढ़िया चल रहा है। नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में स्टॉक ने अपर से भी टच किया था, यानी कि शेयर के प्राइस में भी तेजी आते हुए आपको देखने को मिलने लगी है, और नीचे आएंगे जब आप कॉर्पोरेट एक्शंस में तो यहाँ पे देखिए जो शुरू मैंने आपको बातें कही, एक छोटी सी कंपनी होने के बावजूद ये साल भर में कम से कम 2 बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस होते ही होते हैं, और 2023 में देखें तो तकरीबन 3-4 बार कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं। यानी कि कॉर्पोरेट एक्शंस में देखिए डिविडेंड, बोनस, राइट इशू, स्प्लिट, तमाम तरह की चीज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजों का यदि बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हों, और शेयर्स कब होंगे जब आप बाई करेंगे और किस लेवल पे बाई करना है वह भी मैंने आपको चार्ट पे बता दिया, तो लेवल का विशेष ध्यान रखना है, और इसमें बाई करके आप इस तरह के जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, प्लस शेयर के प्राइस बढ़ने से तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू बढ़ेगा ही।
अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। देखिए अभी तक कंपनी के जब आप क्वार्टर्स नंबर देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि जो जून क्वार्टर रिजल्ट आया था क्वार्टर वन का, उसमें कंपनी को जबरदस्त सेल्स हुआ था और इसी तरह के सेल्स क्वार्टर टू के रिजल्ट में भी एक्सपेक्टेड है। यानी कि जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद है कि इस पहले सप्ताह में नवंबर के आ जाएगा, उसमें भी अच्छा खासा आपको सेल्स देखने को मिलेगा। और सेल्स होने का मतलब है कि कंपनी को जो पहले लॉस में थी और जो क्वार्टर वन में प्रॉफिट में आ गई थी, इस बार जो क्वार्टर टू का नंबर आएगा उसमें जबरदस्त प्रॉफिट में आएगी। उम्मीद है कि डबल डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो फंडामेंटल भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक बढ़ते हुए दिख रहा है। और कंपनी में जब आप इन्वेस्टर्स की मात्रा देखते हैं, यानी कि जो इस पे प्रोमोटर्स कितने हैं, तो वो अभी तकरीबन 1% के आसपास है, जो कि बहुत बढ़िया है। ओवरऑल बात यह है कि ये जो कंपनी आईएफएल इंटरप्राइजेस हर एक प्रकार से फिट बैठती है, चाहे किसी भी एंगल से आप देखें, कोई भी पैरामीटर पे आप इसको परखें, सभी पैरामीटर्स पे कंपनी अपने आप को फिट बैठते हुए दिखाई दे रही है। तो इस तरह कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना बनता है। बाकी जो भी अपडेट था, जो जानकारी थी और जो रिव्यू था, मैंने इस वीडियो में दे दी है। आपको मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। बहरहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।